हेलो, मैं हूँ प्रियांशु सिंह और हमारे चैनल हिंदुस्तानी 360 के टेक वीक में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग न्यूज स्टार्ट करते हैं, उसके पहले कुछ जोक सपाट कर लेते हैं। ये देखिए पहला जोक। दूसरा जोक ये है कि इनका भी शादी तय हो गया है। नहीं, मेरा नहीं हुआ है, मेरे बड़े भाई हैं, उनका तय हुआ है। राजू सिंह फोटो आपको दिख रहा होगा इनका, मतलब उनकी तरफ से भी हम ही भरना है। तो आइए न्यूज की तरफ चलते हैं। तो पहला न्यूज ये आ रहा है, बीएसएनएल की तरफ से न्यूज आ रहा है कि उन्होंने 4G सर्विस लॉन्च करेगी जो केरला में होगा जनवरी से। जो उन्होंने बोला है कि 10 से 11 हजार टावर की उन्होंने सेटअप करेगी, 10 से 11 हजार टावर सेटअप करेगी। जो देखिए किस किस स्टेट में ये अवेलेबल हो पाता है या बीएसएनएल वाले कराते हैं, क्योंकि 10 से 11 हजार टावर मुझे कुछ कम लग रहा है, मतलब इंडिया के पॉपुलेशन और क्षेत्रफल के हिसाब से। तो देखते हैं। तो आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, जो आ रहा है सोनी की तरफ से। जो हर साल जो कि सीईएस होता है, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो होता है हर साल, तो काफी मात्रा में इसमें स्मार्टफोन लॉन्च किए जाते हैं। तो इसमें एक न्यूज आ रहा है सोनी की तरफ से कि सोनी ने अपना 2 सेट इसमें लॉन्च करने का तय किया है। जो कि पहला मॉडल है सोनी H8216 और दूसरा मॉडल है H8266। तो इसमें आपको जो र्यूमर निकल के आ रहा है कि इसमें 845 रहेगा, और भी नंबर इसमें है कि 18:9 रहेगा इसमें, और 16:5 कैमरा रहेंगे इसमें, जो काफी अच्छा फोन लग रहा है। और इसकी सबसे खासियत है कि 4K डिस्प्ले के साथ रहेगा ये। और इसका वेरिएंट मैं बता दूं, वेरिएंट इसका होगा 4/64 और 6/128 GB। तो काफी अच्छा फोन हो सकता है ये। तो अगला न्यूज आ रहा है गूगल की तरफ से। गूगल और लावा, मैं आपको बता दूं कि दोनों ने जो एंड्रॉयड गो उन्होंने लॉन्च किया था, वो लावा कंपनी ने उनसे टाई अप करने की कोशिश की है कि आइए हम लोग मिलकर एंड्रॉयड गो को लॉन्च करते हैं एक फोन के थ्रू। वैसे भी लावा मतलब छोटे मोटे फोन निकालती रहती है, 512 उनका बस चले तो 256 MB रैम दे देंगे, तो उसके वजह से एंड्रॉयड गो का इस्तेमाल करेंगे। तो लावा और गूगल का मिक्सअप हुआ है एंड्रॉयड गो के लिए, देखिए कब तक ये लॉन्च होता है। और मैं आपको बता दूं, जो पहला फोन होगा एंड्रॉयड गो के साथ वो होगा नोकिया वन में HD स्क्रीन होगा, आपको 1 GB रैम होगी, 8 GB इंटरनल होगा, ये सारे हैं नोकिया वन में। और प्रोसेसर का कुछ खुलासा नहीं हुआ है, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, जो कि ZTE की तरफ से आ रहा है, भी उसी में लॉन्च करेगा CES 2018 में, जो कि जनवरी में होगा, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो। तो इस मॉडल का नाम है ZTE ब्लेड V9, जो कि ये आएगा आपका बहुत अच्छा प्रोसेसर के साथ, जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 450 450, जो कि इसकी एक और खासियत है, जो कि 18:9 डिस्प्ले में यह रहेगा। और इसमें आपको 3 वेरिएंट मिलेंगे, 2 GB 16 GB, 3 GB 32 GB, 4 GB 64 GB। और इसमें जो आपको कैमरा मिलेगा वो मिलेगा रियर जो है 16 MP का और 5 MP का, इसमें डुअल कैमरा जो है, और फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा इसमें 13 MP का, और इसमें 5.7 इंच की स्क्रीन होगी और 32 mAh की बैटरी होगी। तो ZTE एक अच्छा फोन माना जाता है, अगर इसका प्राइस रेंज अगर अच्छा रहा तो ये अच्छा बिकने की उम्मीद है, देखते हैं कैसा फोन होता है ये। जी अगली न्यूज आ रही है सैमसंग S9 की तरफ से, S9 Plus, जिसमें आपको हो सकता है डुअल कैमरा तो होने की पूरी आसार है, और आपको स्नैपड्रैगन 845 होगा और ओरियो के साथ आएगा। तो देखते हैं कि आगे इसकी क्या फीचर्स वगैरह लीक होती हैं। यह है कि 18:9 तो इसमें है ही, क्योंकि S8 में भी था, S7 में मैं नहीं कह सकता क्योंकि उसमें सिर्फ कर्व दिया गया था। अगली न्यूज आ रही है पैनासोनिक की तरफ से, जो कि जर्मनीज बेस्ड कंपनी है, जो कि जापान माना जाता है एक अच्छे फोन और ब्रांड के लिए, लेकिन ये पैनासोनिक मुझे पसंद नहीं है काफी, ये अधिकतर ये मीडियाटेक प्रोसेसर यूज करते हैं। तो अगर आप इसे पसंद करते हैं, इसमें काफी भारी छूट आपको मिल रही है, जो कि मैक्सिमम छूट आपको 3200 की छूट मिल सकती है इसमें। तो आइए मैं आपको मॉडल बता देता हूँ कौन कौन से मॉडल को छूट मिल रही है। पहला है PI3 Mega, जो कि 10490 में आपको ये पहले सेट मिलता था, अब आपको मिल रहा है 7290 में। और दूसरा मॉडल है PP88, और इसमें आपको जो मिलेगा छूट वो 6990 में आपको सेट मिलेगा, और ये सेट था 8990 का। और तीसरा सेट है एल्यूगा प्राइम, जो कि 9990 में लॉन्च हुआ था, अब आपको इस खरीद सकते हैं 7290 में। तो अगर आप पैनासोनिक चलाना चाहते हैं और आप बजट आपका टाइट है, तो आप इसे आप ऑप्शन में ले सकते हैं और इसे आप खरीद के मजा उठा सकते हैं। जी अगली न्यूज आ रही है, जो फोन आया है वो BSNL के साथ टाई अप करके फोन आया है, उसका नाम है Detail D1। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं, Detail D1, इसकी जो प्राइस है वो 349 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 349 रुपए ये। और ये 2G सपोर्ट करता है, इसमें मोनोक्रोम डिस्प्ले दिया गया है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट रंग कलरफुल डिस्प्ले नहीं है, और छोटा है, इसमें 600 mAh की बैटरी है। और मैं आपको बता दूं, इसमें 499 रुपए का ईयरली प्लान दिया गया है, ईयरली 499 रुपए में अगर आप प्लान कराते हैं तो आपको BSNL to BSNL 15 पैसा पर मिनट कटेगा, और अदर करते हैं तो आपको कटेगा लगभग 40 पैसा पर मिनट। तो ईयरली प्लान है, आप 499 का कराएंगे तो उसके बाद
देखिए पूरी खुल के तो नहीं है ये बात, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। तो अगली न्यूज आ रही है मोटो की तरफ से, जो गूगल का फोन लॉन्च हुआ था मोटो X4 अभी जो जल्दी लॉन्च हुआ था, तो उसमें आपको ये ट्विटर के थ्रू पता चला है कि जल्द ही आपको इसमें ओरियो अपडेट मिलेगा, वो भी ओटीए के थ्रू आपको मिलेगा। ये तो आप ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है मोटो की तरफ से, लेकिन एक ट्विटर के थ्रू पता चला है। ये ट्विटर पे मोटो के जो कुछ खास लोग थे उन्होंने ट्वीट किया, तो उससे ये रूमर खुला है। अब देखते हैं ये रूमर रूमर ही रहता है या अपडेट आता है, लेकिन पूरी आसार है कि अपडेट तो आनी ही है क्योंकि एंड्रॉइड 1 का स्मार्टफोन है, तो उम्मीद है, देखते हैं कब आती है। अगली न्यूज निकल के आ रही है वोडाफोन की तरफ से, वोडाफोन जो 4G वोल्टी जनवरी से लॉन्च कर देगा। जी हाँ, 4G वोल्टी, लेकिन एयरटेल के कुछ बहुत आसार थे जनवरी फरवरी मार्च तक, लेकिन एयरटेल का तो सर्वर इधर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चल रहा है, डाउन चल रहा है, नेटवर्क ही नहीं रह रहा है। वोडाफोन जो है वो जनवरी से आपको वोल्टी फीचर मिलने लगेगा, लेकिन देखिए किन किन शहरों में मिलेगा ये खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको जनवरी से। अगली न्यूज आ रही है वैष्णो देवी का दर्शन अगर आप करना चाहते हैं तो वो काफी आसान हो गया है, क्योंकि कटरा पुलिस स्टेशन से ये न्यूज आ रही है कि उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया हुआ है, जो कि आप वही ऐप के थ्रू आप जान सकते हैं कि मौसम क्या है, आगे का रास्ता क्या है, आपको मेडिकल सुविधा कैसी मिल सकती है। अगर बर्फबारी हो रही है या कुछ भी, आप कहीं फंस गए हैं मेडिकल में, तो मेडिकल सुविधा पर आसानी से आप ले सकते हैं। तो ये काफी अच्छा है कटरा पुलिस स्टेशन की तरफ से कि उन्होंने ऐप लॉन्च किया, आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं वैष्णो देवी का। जी, आप मौसम जान सकते हैं और अगर आप कहीं फंस गए हैं तो उस ऐप के थ्रू आप मदद भी मांग सकते हैं, तो वो मदद आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगी कुछ देर के अंदर। जो अगली न्यूज आ रही है वो Redmi 5 है। जी हाँ, Redmi 5 है जो कि 4999 में सेल हो रहा है इस समय, जो कि लेना बहुत मुश्किल हो गया है। नैनो सेकंड में ही रॉकेट की तरह गायब हो जाता है, ऐड टू कार्ट दिखता है फिर सीधे बटन गुल, तो आपको मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये ऑफलाइन स्टोर पे भी अवेलेबल हो गया है, ऑफलाइन स्टोर पे भी आप इसे ले सकते हैं, लेकिन क्या प्राइस 4999 रहेगी, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि इसकी प्राइस होने वाली है 5999। लेकिन जब ये फोन की जो 40 से 50 लाख सेट जब बिक जाएगी तब इसकी प्राइस हो जाएगी 5999, तो मुझे उम्मीद है ऑफलाइन में तब इसकी प्राइस भी बढ़ा दी जाएगी, तब शायद हो जाएगा 6500 रुपए का। तो देखते हैं क्या प्राइस होती है, क्या प्राइस पॉइंट होती है। वैसे मुझे उम्मीद है कि 4-500 रुपए तो ज्यादा होनी ही है ऑफलाइन की वजह से। तो अगली न्यूज आ रही है नोकिया की तरफ से, जो कि जल्द ही अभी चाइना में नोकिया ने लॉन्च किया था नोकिया 7, तो अब इंडिया में भी वो आने वाला है, जो कि 19 जनवरी को लॉन्च करेंगे। एमएचडी ग्लोबल की तरफ से न्यूज है, तो इसमें जो आपको मिलेगा ये स्नैपड्रैगन 630 के साथ मिलेगा, और ये फुल एचडी डिस्प्ले होगा इसमें, और ये 5.2 इंच का जो स्क्रीन होगा इसमें, और 3000mAh की बैटरी होगी, और ये दो वेरियंट में आएगा, 4GB और 6GB रैम में, इंटरनल का भी पता नहीं चला है, और ये काफी अच्छा फोन होगा। ये 16MP रियर कैमरा मिलेगा और 5MP फ्रंट कैमरा मिलेगा, तो नोकिया का काफी अच्छा फोन है ये। अब प्राइस रेंज डिसाइड करेगा कि ये सेट कैसा होता है, मुझे उम्मीद है कि प्राइस लगभग ये 15 के नीचे ही अगर करे तो ज्यादा अच्छा होगा ये। जी मुझे नहीं लगता कि 15 के नीचे होगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 630 दिया गया है इसमें, तो मुझे पूरा उम्मीद है 20 के आसपास तो होने की आसार है, क्योंकि नोकिया 6 की जो प्राइस है वो 15000 रुपए की है, जिसमें स्नैपड्रैगन 630 दिया गया है, सारी चीज आपको पता ही होगी। तो नोकिया अगर इसी तरह अगर लॉन्च करेगा तो जैसे बिक रहा है वो, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है उतना तेजी से नहीं बिक रहा है वो, तो काफी नोकिया को सुधारने की जरूरत है इसमें अपना सेट का प्राइस जो है इंडिया में। लेकिन टॉप सेलिंग स्मार्टफोन में एक था नोकिया 6, और चाइना में तो बहुत जबरदस्त बिका था, लगभग 1.5 मिलियन पहले ही कुछ सेकंड में वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। इस समय नोकिया 6 पे आपको जो है अमेजोन पे जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे 3000 तक का डिस्काउंट मिला, लेकिन वो कैसे मिल रहा है प्रोसेस देख लीजिए। लेकिन नोकिया ने 1000 ऑफ किया है, उसके बाद अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो आपको 1000 ऑफ मिलेगा, अगर HDFC आपको 10% कैशबैक भी दे रहा है, अगर HDFC का आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तब भी आपको 10% कैशबैक मिलेगा, तो तीन बार आपको 1000 का ऑफ मिल रहा है तो आपको 3000 ऑफ मिल जाएंगे, तो ये आपको फोन पड़ जाएगा लगभग 11999 रुपीज का, क्योंकि ये 14999 रुपीज का फोन इंडिया में, बाहर तो ये लगभग 16 से 17000 रुपीज का था। तो अगली न्यूज आ रही है Xiaomi की तरफ से, जो कि Xiaomi आप लोग जानते ही होंगे कितना फेमस हो चुका है आजकल, हर मुझे लगता है कि हर पांचवें छठवें आदमी के हाथ में आपको Xiaomi का आईफोन दिखेगा, क्योंकि काफी ये रेंज में और काफी बेस्ट ये कैमरे के साथ और ये परफॉर्मेंस के साथ आपको मिलता है उस प्राइस रेंज में। तो इसमें ये न्यूज आ रही है कि पिछले 2-3 महीने में जो काफी नंबर वन रहा है Xiaomi बिकने में, सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर वन आ चुका है Xiaomi बिकने में पिछले 2-3 महीनों में। अगली न्यूज आ रही है फेसबुक की तरफ से, फेसबुक ने कुछ 3-5 किया था नौटंकी, पता नहीं क्या आधार कार्ड से वगैरह लिंक करने की कोशिश कर रहे थे, नौटंकी दूर कर दी, उन्होंने कहा कि उस पर काम चल रहा था फेसबुक में, लेकिन उसे हटा दिया गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, विवादों के ऊपर उन्होंने ताला लगा दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन ये कुछ था लीकेज की उन्होंने कुछ काम कर रहा है कि शायद उसे आधार से लिंक करना पड़े फेसबुक को। ये आधार कार्ड हर जगह घुसाना बहुत जरूरी नहीं मुझे लग रहा है, हर जगह यार कहां लिंक किया जाए, बैंक, गैस,
यार ऐप में भी अब पेटीएम भी देता है आधार कार्ड आप लिंक कर दें, सब जगह आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, सारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके पास हो जाएगी तो ठीक है, लेकिन अब जो मेन काम है वहां पे आप लगाइए। अब बीएसएनएल ऑफिस में गए तो वहां कुछ मतलब नहीं है, पिछली बार गए तो बोला कि आधार कार्ड दिखाइए, सिम लेने गए ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, फोटोकॉपी है तो उसको ही मतलब नहीं है, लेकिन जब इस बार सिम लेने गया तो आपके पास आधार कार्ड मतलब डिमांड ही नहीं किया गया, हेलो ले जाओ ऐसी दिलवाई, मान लीजिए आदमी जाता है 10-12-13 किलोमीटर के सिम लेने, फिर उसको ये सब फेस करना पड़ता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगली न्यूज आ रही है पेटीएम की तरफ से। जी हाँ, पेटीएम जो कि आप लोग सब लोग जानते होंगे, आपका अधिकतर मैक्सिमम फोन में वो डाउनलोड रहते ही है, जो कि एक पे करने का एक ऐप है, वो आप पेमेंट करते हैं उससे, लेकिन पेटीएम का मॉल भी है एक अलग से ऐप जो कि आप उसे शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये न्यूज निकल के आ रही है कि पेटीएम जो है सबसे टॉप का डाउनलोडर बन चुका है, वो कि सबसे ज्यादा फोन में वो डाउनलोड हुआ इस समय टॉप पर चला गया है वो, क्योंकि 10 करोड़ ऐप डाउनलोड हो चुका है मोबाइल में इस समय, तो टॉप पे इस समय है पेटीएम। 10 करोड़ बहुत ज्यादा। अगली न्यूज आ रही है आईभूमि की तरफ से। आईभूमि इसलिए मनाया था क्योंकि सस्ते में आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। मैं आपको बता दूं, जो आईभूमि i1 है और i1s है, इसमें आपको 18:9 आपको डिस्प्ले मिलेगा जी, बहुत अच्छे 18:9 आपको डिस्प्ले मिलेगा, सुन के अच्छा लगा। और आपको मिलेगा इसमें डुअल कैमरा, वाह डुअल कैमरा के साथ आपको इसमें आपको मिलेगा 13+2 रियर कैमरा आपको मिलेगा। और फ्रंट कैमरा के तो बारे में लीक नहीं हुआ है क्या होगा फ्रंट कैमरा, शायद उम्मीद है 8 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल ये हो सकता है। और मैं आपको बता दूं इसकी जो डिस्प्ले साइज है वो 5.45 इंच है, और इसकी जो प्राइस होने वाली है 6,999 से लेकर 9,999 रुपीज तक इसकी जो प्राइस रहेगी। तो ये मुझे लगता है 6,999 हमको लगता है 7,999 अधिक से अधिक हो सकता है, 9,999 ज्यादा हो जा रहा है इसकी इस प्राइस सेगमेंट में, ये अच्छा फोन होगा। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये डुअल कैमरे का जो कॉन्सेप्ट, ये लो बजट वाले फोन जो लाते हैं इसमें कहने के लिए डुअल कैमरा होता है, इसमें पोर्ट्रेट मोड वाइड एंगल जो भी देते हैं ये बहुत ही कम चांस रहता है कि वो काम करता है, मैं बहुत फोनों में देख चुका हूं कि काम नहीं करता है। तो उसी तरह मुझे उम्मीद है आईयूमी भी इसी तरह करेगा, अच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद यही करता हूं कि उसी तरह देगा, वो काम नहीं करेगा वो। अगली न्यूज आ रही है Xiaomi की तरफ से। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक फोन लॉन्च हुआ था अभी जो कि OnePlus 5T, जिसमें फेस अनलॉक दिया गया था, तो उससे एक स्टेप आगे जाके Xiaomi MI7 जो लॉन्च करने वाला है, इसमें आपको सीधे इन्होंने फिंगरप्रिंट सीधे कैंसिल कर दिया, ऐसा iPhone 10 में हुआ था, और सीधे फेस अनलॉक से ये ओपन होगा, जैसे iPhone 10 में आप देखे होंगे कि ये अनलॉक होता था। इसके लिए मुझे लगता है कि फ्रंट कैमरा एक देना होगा इनको, जिसमें सेंसर एक लगाना होगा जिसके थ्रू अनलॉक होता है, तो काफी अच्छा स्टेप है Xiaomi की तरफ से, और अच्छा ये टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अच्छा स्टेप है, और इसका प्राइस रेंज भी मुझे लगता है काफी अच्छा ही रखा जाएगा, तो अच्छा स्टेप है Xiaomi की तरफ से। तो अगली न्यूज आ रही है एयरटेल की तरफ से। जो एयरटेल ने अपने ऐप है एयरटेल लाइव टीवी, तो उन्होंने इसमें अपडेट लाकर एक अपडेट दिया है जो कि June 2018 तक आपको फ्री मिलेगा, 300 लाइव चैनल आप देख सकते हैं इसमें, 300 लाइव कंटेंट जी हाँ, लेकिन जियो को टक्कर मुझे नहीं लगता कि ले पाएगा ये, क्योंकि उसमें आपको पूरे फ्री मिलते हैं लिमिटेड पीरियड के लिए, ये केवल June 2018 तक के लिए है, तो एक अच्छा स्टेप है इनकी तरफ से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उनको बीट कर पाएंगे। तो ये सब थी आज की न्यूज, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और हम लोग आपको एडवांस से बोल देते हैं हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपको ये न्यूज पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें जी। धन्यवाद।